जब डल मोमेंट, जिसको तुम कहते हो, साधारण मोमेंट कहते हो, उस में जब तुमको दिखने लगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि चींटी के चलने की भी एक आवाज होती है। नुपुर कहते हैं कबीर, चींटी को कभी चलता हुआ देखो। तो इस जिसको तुम कुछ नहीं होना कहते हो कात्यायन, इस कुछ नहीं होने को जरा गौर से देखो। सूक्ष्म हो रहा है बहुत कुछ, और ये कितनी सुंदर और सूक्ष्म अवेयरनेस है कि दिन भर कौन पूछता है ऐसा प्रश्न कि दिन भर सतयोग में बैठता हूं। किसी को याद, जिसको नहीं कुछ हो रहा होगा उसको ये भी नहीं याद आएगा कि सुबह सतयोग में बैठा था और दिन बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। पीछे के दरवाजे से परमात्मा आया है। एक कहानी मैं तुमसे कहूं, एक जहाज यात्रियों को लेकर के समंदर में निकली। उस पे एक धार्मिक आदमी था, बहुत धार्मिक आदमी था। ऐसा हुआ कि रास्ते में तूफान आ गया, जहाज डूबने की घड़ी आ गई, तय हो गया कि अब जहाज डूब जाएगा क्योंकि पानी उछल उछल के जहाज में आने लगा। तो जो पंडित था उसने प्रार्थना से प्रार्थना किया कि आप आइए और मुझे बचाइए, मैं आपका भक्त हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, इस डूबने से मुझे बचाइए। उसने ऐसा कहा और इमीडिएटली एक नाव बगल में आ गया यात्रियों को बचाने के लिए, और उस नाव वाले ने सबसे पहले उस पंडित का जो वेशभूषा था उसको देख करके नाव वाले ने सबसे उस पहले उस पंडित को कहा कि साहब ये जहाज डूब जाएगा, आप इस नाव में आ जाइए। पंडित ने बोला पागल है क्या, तुम मुझे बचाओगे, परमात्मा मुझे बचाएगा, मैं वेट कर रहा हूँ परमात्मा के आने का। और पंडित वेट करता रहा, जहाज डूब गया और मर गया। उसको ये नहीं दिखा कि जो नाव वाला आया है ये परमात्मा ही है, लेकिन वो नाव वाला दिखा, उसको परमात्मा नहीं दिखा, क्योंकि परमात्मा की उसके भीतर एक धारणा थी, उस धारणा से नाव वाला मैच नहीं खाया। ध्यान की तुम्हारे भीतर कात्यायन एक धारणा है जिससे यह क्षण मैच नहीं खा रहा है। उस धारणा को छोड़ो, कहीं पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान की सब धारणा छोड़ दो और जो अभी है वही ध्यान। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो तुमको क्यों कहता कि तुम कहो कि मैं अपने क्रोध से प्रेम करता हूं, अपने डिप्रेशन से प्रेम करता हूं, अपनी चिंताओं से प्रेम करता हूं, क्योंकि तुम चिंता जिसको कह रहे हो मेरे देखे वो चिंता नहीं है। तुम जिसको तनाव कह रहे हो, क्रोध कह रहे हो, वो सब कुछ भी नहीं है, सब खजाना है जिस पर गलत स्टिकर चिपका हुआ है।